नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम अपना क्लास की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं चाय पीते हुए। साथियों, हमारे अब गंतव्य स्थान की ओर हम निकल चुके हैं और गाड़ी में हैं। आपको कुछ समय बाद हाईवे रोड लिए चलता हूँ। अभी हम उड़ान पुल की तरफ आ चुके हैं। साथियों, हम अभी नागपुर के बर्धमान नगर स्क्वायर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं उड़ान पुल। आप वीडियो बने रहिए, हम आपको अच्छे रोमांचक पल के बारे में जरूर बताएंगे नागपुर के। आज शादियों का दिन है, हर जगह शादियाँ हैं। देखिए, हर जगह पंडाल देखिए आपको। ये मछली बाजार चौक है। यहाँ संडे के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। अब मैं नागपुर इतवारी क्षेत्र का चिंदी बाजार के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध मार्केट है, जो संडे को ही मार्केट भरता है। यहाँ का बहुत बड़ा चिंदी बाजार है। यहाँ सुबह से ही ग्राहक आ जाते हैं। ये दलाल चौक है, इधर अंदर जाना। अभी हम रेलवे स्टेशन इतवारी आ चुके हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीख लो। हर हाल में जीना सीख लो। तो अभी हम इतवारी रेलवे स्टेशन के तरफ है। इतवारी रेलवे स्टेशन के तरफ है। अभी हमारी इंस्टाग्राम की रील वगैरह शूट हो गई है, तो अभी हम जाते हैं। थोड़ा हमें थोड़ा काम है। तो किधर जाना है अभी अपने को? इतवारी लालगंज। इतवारी लालगंज हमें जाना। आपने लालगंज तो बहुत देखे हुए होंगे। हमने बहुत सारी वीडियो निकाली लालगंज की, क्योंकि अंकल वहाँ रहते थे और अंकल के बहुत सारे पहचान वाले वही है। पहचान वाले का जिगरी यार, बोलो जो भी सब वही है। तो अभी हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर से बाहर, और अभी हमें थोड़ा काम है। तो हमें अर्थिंग वगैरह का सामान लेने जाना है, कोयला और नमक लेने जाना है। इतवारी नागपुर में कहीं नहीं मिलता, बस इतवारी में साथ मिलता है। हाँ, निकालस मंदिर में मिलता है बस, और कहीं नहीं मिलता। नाश्ता करने के लिए आते हैं।
यहाँ गाड़ी के टायर में हवा भरने आए। हमारी गाड़ी के टायर की हवा कम हो चुकी थी इसलिए। अभी हम आए यहाँ कोयला लेने कटिंग के लिए। दस किलो है इसके लिए है क्या लगा तो बैठे तो अभी हम सीए रोड की तरफ पहुँचे, निकल गए चीजे रोड से घर के लिए। हमने कोयले वगैरह की चोरी आ रखी है, हाथ को मेरे काले काट नहीं दिया। अभी हम टेलीमिनेशन चौक पहुँच गए हैं, वापसी जाएंगे डायरेक्ट घर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर वापस। देखो यार सीट कितनी काली हो गई, देखो ये देखो कोयले से, वो देखो कोयला और मेरा पैंट देखो। अभी वाले गड्ढे में अर्थिंग लगाने वाले अंकल नहीं, जो काम करने वाले वो लगाएंगे। अभी दुकान खोलते हैं और बैठते, थोड़ी एडिट वगैरह करता हूँ मैं अभी वीडियो। अचानक आंधी और तूफान आ चुका है। अभी देखिए इतना सुहाना वातावरण बन गया है। आधी मस्ती कर रहा है, देखिए मौसम विभाग ने भी ऐसा कुछ सूचना दिया नहीं था, ऐसी आंधी और तूफान आएगा। शहर में हलचल मच चुकी है। देखो बादल भी काले काले हो गए हैं पूरे। पूरा मौसम चेंज हो गया है। ये मध्य प्रदेश की तरफ से बरसात आने की पूरी संभावना दिख रही है। बेमौसम वातावरण में भी हमारे आदि भाई पतंग का मजा ले रहे हैं। पतंग यदि नहीं है तो अपने डोर में प्लास्टिक बांध लिए हैं। तो बात अलग है कि ठंड में भी हाथ पैर कप रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात शुरू हो रही है और हवा बहुत ज़ोर से चल रही है।